हेलो दोस्तों, और स्वागत है फिर से एक नए एडवेंचर में। तो जैसे कि हम कोलकाता में आ गए हैं और आज ही मॉर्निंग में आए सुबह में, और मतलब लगभग 50% लॉकडाउन लग गया है कोलकाता में। लेकिन जो भी है, टूरिस्ट प्लेसेस बंद है, बाकी सब कुछ ओपन है, मार्केट वार्केट सब कुछ ओपन है। आप लोग का भी अगर कोई ज़रूरी काम हो तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन लगने वाले हैं लेकिन अभी धीरे धीरे, और मैं लगभग 1 या 2 दिन और रहूँगा यहाँ पे, फिर उसके बाद निकल जाऊँगा उड़ीसा के लिए। इससे पहले मैं जाऊँगा सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा से फिर हल्दिया, हल्दिया से फिर सीधे निकल जाएंगे उड़ीसा के लिए। तो फिलहाल तो आज चल रहे हैं हम न्यू मार्केट फिर से, क्योंकि एक लोग से मिलना भी है और कुछ काम भी है। और जैसा कि मेरा बैग पैक हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए फटाफट हम निकलते हैं और दिखाते हैं अपना। बहुत दिनों बाद अपनी राइड पे आया हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से अपनी राइड होल्ड पे रखा था। तो आइए मैं आप लोगों को अपने साइकिल का पूरा दिखाता हूँ सेटअप, फिर उसके बाद निकलते हैं। सब कुछ पैक हो चुका है, बैग हो गया, वो भी हो गया छोटा वाला बैग, और ये साइकिल भी पैक कर चुका हूँ। और फटाफट निकलते हैं हम जल्दी से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो गाइज फाइनली मैं अभी आ रहा था, तो यहाँ पे एक हमें अंकल मिल गए थे और उनसे बातचीत होने लगी। फिर वो बोले कि ठीक है, मतलब मैं जा रहा था, उनसे थोड़ा रूट पूछने लगा। फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो सोचा हूँ कि यहीं पे कुछ खा ले। तो यहाँ पे एक छोटा सा दुकान, यहाँ पे मतलब आपको ज़्यादा बड़ा दुकान नहीं मिलेगा नाश्ते के लिए, जो भी मिलेगा छोटे छोटे बहुत दूरी पे मिलेगा, छोटे छोटे दुकान मिलते रहेंगे पूड़ी सब्जी का। पूड़ी सब्जी तो बहुत कम ही जगह पे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मिला तो सोचा हूँ खा के यहाँ से निकलूँ। तो ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं खा के फटाफट निकलता हूँ और चलते हैं न्यू मार्केट, क्योंकि बस गए हैं डेढ़। काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आज काम है हमारे पास। तो ठीक है, आइए हम नाश्ते करके और निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हैं, आज का मेरा लंच है और हम लंच करने के बाद तुरंत निकलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ फिर से एक बार न्यू मार्केट में। हम तो एक बजट ट्रैवलर हैं, ऑल इंडिया पे निकले, घर भी नहीं जाना है कि हमारे पास बजट रहेगा। लेकिन अब ऑल इंडिया कंप्लीट करने के बाद ही हमें घर लौटना है, तो अब आप लोग समझ सकते होंगे। सो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारे सर हैं गाजीपुर से ही हैं, जमानिया से, तो इनका नाम अरशद खान है। तो इनका जो कार्ड है शॉप की, तो वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग जब भी यहाँ पे आते हैं तो विज़िट ज़रूर कर लीजिएगा, काफ़ी अमेजिंग हमें दुकान तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का। तो इन्होंने हमें ये टी शर्ट गिफ्ट किया, काफ़ी अच्छा लगा। और मेरा नया लुक आप लोग चेक कर सकते हैं, तो ठीक है, अगले लोग से आप मिल सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं अपनी राइड पे मिलते हैं और यहाँ का सर का पूरा शॉप मैं विज़िट करा देता हूँ, फिर उसके बाद निकलते हैं। दादा से तो मुलाकात हुई थी यार, और फिर ये देख सकते हैं आप इनकी शॉप, बहुत अच्छा लगा। ठीक है दादा, ये मतलब इनका सभी पूरा जो भी जितनी भी शॉप हैं ये इनका ही सर का, ये बहुत अच्छा लगा हमें। तो ये दादा का दोबारा आप लोग देख सकते हैं शॉप यहाँ पे, जो दादा है ना काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प की, बहुत हमें अच्छा लगा। और भैया भी मतलब गाजीपुर से ही हैं, तो बहुत हमें अच्छा लगा। ये आप लोग इनकी शॉप देख सकते हैं, जो स्पोर्ट्स की ये शॉप है, और इसका जो एड्रेस है मैं अपने वीडियो के लिंक में दे दूंगा, ताकि आप लोग को यहाँ पे आने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, जिससे कि आप डायरेक्टली यहीं पे आ सकें और जो चीज़ आपको चाहिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा आपको। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, दादा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है भैया, सो फाइनली गाइस अब हम चलते हैं रूम पे, क्योंकि न्यू मार्केट में आया था और जो कुछ थोड़ा बहुत काम था वो काम तो नहीं हुआ, लेकिन टी शर्ट मिल गया एक, बहुत अच्छा लगा क्योंकि इंडिया का टी शर्ट है। और फिर इसके बाद अब हम चलते हैं अपने रूम पे, वहाँ पे आज रात भर स्टे करेंगे, फिर उसके बाद हम निकलेंगे कल बौरिया मिल के लिए, क्योंकि बौरिया मिल शायद कल बोरिया में ली स्टे किया जाएगा, फिर उसके बाद निकलेंगे सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा से फिर निकल जाएंगे हल्दिया,
और हल्दिया वाले रास्ते से ही मैं निकल जाऊंगा सीधे उड़ीसा और आंध्र के लिए। तो ठीक है, फटाफट चलते हैं क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अब काफ़ी टाइम से यहाँ पर आया हूँ। तो पीछे आप देख सकते हैं दादा को मास्क लगा रहे हैं मैं घर पे था तो बहुत लोग कॉल करके, कुछ फ्रेंड्स थे यहाँ के, बोले थे कि भाई मत आओ, एक दो महीने बाद आओ, लॉकडाउन है ऐसे वजह। कुछ नहीं है, दादा ने बोला कि आपके लिए कुछ लॉकडाउन नहीं है, आप आओ और अच्छे से घूमो तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग भी बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारा। तो ये रहा दादा का दुकान, ये न्यू मार्केट का मेन रास्ता है, आप लोग देख सकते हैं। और ये रहे दादा, दादा दादा, आप लोग देख सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी मैं, आप लोगों ने देखा कि मैं आ चुका था, लेकिन अब आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं कि मैं इधर उतना टाइम दे सकूँ। ठीक है दादा, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि न्यू मार्केट कितना अमेजिंग था भाई, बहुत मजा आया, वाओ इट्स अमेजिंग, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया घूम के। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि न्यू मार्केट मतलब किस चीज़ के लिए फेमस था, क्या क्या मतलब यहाँ पे अवेलेबल्स हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मिलने के बाद। लेकिन आज मेरा यहाँ पे लास्ट डे है और कल मैं निकलूँगा सुबह बौरिया मिल के लिए, फिर उसके बाद अपनी राइड कंटिन्यू रहेगी। तो ठीक है, यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ पे आया था भाई से मिलने के लिए, तो हम बोला कि भाई आना तो मिल के ही जाना, तो आया भाई से मिला, बहुत अच्छा लगा, भाई ने बहुत सपोर्ट किया है भाई मुझको। तो ठीक है, अब निकलते हैं और मिलते हैं हम आपसे रूम पर। आइए हम दिखाते हैं, हमारे साथ एक नए लोग और जुड़ने वाले हैं, ये है ये भाई साहब, तो ये अभी अपनी शॉप चला रहे हैं और फिर इसके बाद हम चलते हैं, क्योंकि भाई ना ही हमारे पास अब टाइम है ना ही इनके पास टाइम है, क्योंकि इनको अपना शॉप भी देखना है ना, तो इस वजह से। तो ठीक है, अब हम चलते हैं। और ये रही पूरे पीछे की शॉप, पीछे भाई है, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अमेजिंग। तो ठीक है, हम निकलते हैं, चलते हैं न्यू मार्केट के रास्ते में। जैसे ही अगर आप एंटर करेंगे तो तुरंत राइट साइड में आप देखिएगा ये भाई की शॉप है, आप ज़रूर प्लीज़ यहाँ पर विज़िट ज़रूर करिएगा, मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है आप लोग के लिए। और बहुत अमेजिंग यहाँ की शॉप है, मतलब हर एक चीज़। तो ठीक है, हम निकलते हैं, अब काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि अब पहुँचना भी है हमें। हाय ब्रो, सो फाइनली गाइस मैं रूम पर आ गया हूँ और अपना जो सब कुछ है वो सब उतार दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा था, तो बस इसी टी शर्ट पे हूँ, क्योंकि ये टी शर्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब हल्का है गर्मी के लिए। तो अब हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आइए हम आप लोग को थोड़ा शाम का, आइए हम आप लोग को दिखा देते हैं शाम का डिनर, और फिर खा के और सोते हैं और वीडियो को एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं और सुबह पब्लिक करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट एडवेंचर में। तो ये रहा शाम का डिनर, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया।